जय बाबा तंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। अभी कुछ देर पहले मैं आपको इस नींबू के डंगाली के प्रयोग के बारे में बता रहा था कि दशहरे के समय इसे सिद्ध करके अलग अलग कार्यों में किस तरह से उपयोग लिया जाता है। इस तरह से कुछ माला बनाई जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम बात करेंगे नवरात्र के प्रयोग के बारे में, क्योंकि नवरात्र चल रही है, आप सब लोग जानते हैं, और कल है दशहरा। दशहरे के दिन माता रानी को एक ऐसा भोग चढ़ाया जाता है, ये बड़ा गुप्त है, ये किसी को पता नहीं होता, ये साधक लोग ही जानते हैं और इसे बड़ा गुप्त रखते हैं, ये किसी को बताते नहीं है। अगर आप दशहरे के दिन माता रानी को अगर भोग चढ़ाते, याद रखिए कोई भी देवी हो, ठीक, किसी भी देवी को आप भोग चढ़ा सकते हैं। सिर्फ दो देवी छोड़कर, एक है शीतला माता और दूसरी है संतोषी माता, ये दो देवी को छोड़कर आप सभी देवी को इसका भोग चढ़ा सकते हैं। अगर ये भोग अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में आने वाले 1 साल में आर्थिक समस्या पूरी तरह से नष्ट होगी। आपका जीवन जो है सुखी संपन्न बनेगा। आपके घर में किसी भी तरह का रोग प्रवेश नहीं करेगा। आपके घर में किसी भी तरह की अशांति नहीं रहेगी, दारिद्र्य नहीं रहेगा, और माता रानी की जो है विशिष्ट कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ऐसा वो कौन सा भोग है जो माता रानी को अति प्रिय है और जो चढ़ाता है उस पर माता रानी प्रसन्न हो जाती है और अपनी दया दृष्टि और कृपा दृष्टि दोनों उस पर बरसाती है, जिससे इंसान का जो जीवन है सुखमय बन जाता है। अगर एक घर में 5 लोग हैं तो पांचों लोगों ने ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रयोग करेगा उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। अगर घर में 5 सदस्य बच्चे भी है तो बच्चों के भी द्वारा इस प्रयोग को कराकर माता रानी को भोग जो है अर्पित करे। तो आज के लिए क्या लगेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए जो है आपको लगेंगे केले, ठीक है, और आपको लगेगा गुड़, ठीक है, और लगेगा दही। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ आप केले ले लेंगे, ये इतना डीप में आप लोगों को इसलिए मैं बताना चालू किया क्योंकि आप लोग फिर बाद में पूछते हैं, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता और आप लोग बराबर कार्य नहीं करते हैं तो आपको बराबर लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो केले को जो है कुछ इस तरह से आप छील लेंगे, छिलका निकाल लेंगे। अब ये जो केले हैं, केले के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे कुछ इस तरह से। याद रखिए ये जो भोग है माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है, अति प्रिय भोग है, और जो चढ़ाता है माता रानी तुरंत प्रसन्न हो जाती है। ये केवल साधक लोग जानते हैं, दूसरे लोगों को बताते नहीं है क्योंकि छुपा कर रखते हैं, उन्हें नहीं लगता कि माता रानी की कृपा हर किसी पे बरसे, लेकिन आज गुप्त प्रयोग में आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से जो है केले को काट लेंगे आप। काटने के बाद आप इस पे क्या डालेंगे वो आप ध्यान से सुने समझे, ठीक है। अब इस तरह से ये केले आप रख लेंगे और इसके ऊपर आपको डालना है शहद। इसके ऊपर कुछ इस तरह से आप डालेंगे शहद, ठीक है, शहद अच्छे से डालेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आप 5 केला लेते हैं तो 5 केले में 5 चम्मच शहद डालना है। अब मैंने 2 केला लिया है इसलिए मैं 2 चम्मच शहद डाल रहा हूं। अब इसके बाद आपको इसमें डालना है गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े। अब मेरे पास टुकड़े नहीं है क्योंकि अभी खरीद कर लाया गया है, तो मैं ऐसे ही आपको डाल के दिखा रहा। इसको थोड़ा ऐसे पीस कर डाल देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, इतने बड़े नहीं डालना है, छोटे छोटे चने के जैसे छोटे छोटे टुकड़े, या पीस कर डाल सके तो बहुत अच्छा है। अब इसके ऊपर आप डालेंगे दही। अब इसके ऊपर आप डाल देंगे इस तरह से दही, बस, और इसे मिला लेंगे अच्छे से कुछ इस तरह से। तो ये हो गया माता रानी का भोग तैयार। याद रखिए जो ये नैवेद्य माता रानी को चढ़ाएगा उसके ऊपर अति कृपा होगी, लेकिन याद रखिए ये जो नैवेद्य है केवल और केवल दशहरे के दिन चढ़ाया जाता है। जब माता रानी जो है असुरों का वध करके आई थी उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें ये वाला भोग चढ़ाया था जिससे वो शांत हो गई थी उनके अंदर जो। तो जब माता रानी असुरों का वध कर कर आई थी तब भगवान शिव ने उन्हें यही वाला भोग जो है दिया था भोजन करने के लिए। तो याद रखिए ये भोग जो भी चढ़ाता है माता रानी उस पर प्रसन्न हो जाती है।
तो साक्षात ये जो है महादेव भगवान का बनाया हुआ रेसिपी है और ये उन्होंने बनाकर माता रानी को दिया था, जिससे वो शांत हो गई थी इसका भोग ग्रहण करने के बाद। तो आप इस तरह से ये जो है नैवेद्य बनाकर माता रानी को अर्पित करें, केवल दशहरे के दिन, बाकी दिन नहीं। याद रखिए, जिस प्रयोग का जिस समय पे प्रयोग करना है उसी समय पे प्रयोग करने से लाभ मिलता है, बाकी समय पे प्रयोग करने से उसका नुकसान भी होता है, ये याद रखिए। जैसे सर्दी के समय अगर ठंडी चीज खाओगे तो क्या होगा, सेहत खराब होगी, सर्दी होगी, खांसी होगी, बुखार भी आ सकता। अगर गर्मी के समय अगर आप ठंडी चीजें देंगे तो वो लाभ पहुंचाएंगी। तो ठीक उसी तरह है, जो समय पे जो प्रयोग बताया गया है उसी समय पर करना चाहिए। ये बहुत गुप्त प्रयोग है जो आज मैंने आपको बताया, करिए। एक साल बाद आप मिलना और मुझे बताना कितना बदलाव आया आपके जीवन में। ये मेरा परीक्षित प्रयोग है, मैंने इसका कई बार प्रयोग किया और हजारों लोगों को दिया भी है और उनका 100% रिजल्ट भी मुझे मिला है। जय मां वतनी।